हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये पार्ट नंबर 7 है। रेलवे में आए हुए सभी जीके जीएस सामान्य अध्ययन के सवाल का वीडियो नंबर 7। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे अपने काफ़ी सवाल को रिपीट करता है, तो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तांत्रिक योगिनी पंथ इज़ एन ओरिजिनेशन ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। किस स्टेट से निकला तांत्रिक योगिनी? इसका सही जवाब है उड़ीसा। नेम द एयरक्राफ्ट ऑन विच राकेश शर्मा हैज़ फ्लाइड इन स्पेस। सोयूज़ T-11, रॉकवेल X-30, मर्क्यूरी Atlas-9, स्पाइरल एपॉस। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोयूज़ T-11। द इसेंस ऑफ सॉयल सून आफ्टर द रेन इज कॉल्ड। मिट्टी की महक सुगंध को क्या कहते हैं, जो बारिश के बाद तुरंत अगली बारिश के बाद जो तुरंत उसमें से खुशबू आती है? ए पेट्रिकॉर, टेम्पस वर्नम, ब्रॉची या फिर इरिडा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रिकॉर। द ट्रीटी ऑफ बसेन वॉज अ पैक्ट साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। किसके बीच साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ बसेन? बाजीराव फर्स्ट, शिवाजी, संभाजी या फिर बाजीराव टू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव सेकेंड द्वितीय। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज नोन एज। कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट या फिर नॉर्दर्न सिरकार्स। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, कोंकण कोस्ट। पश्चिमी तट का उत्तरी हिस्सा कौन कौन कोस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? खुला बाजार, ओपन मार्केट, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार क्रिया। कॉरपोरेशन टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज ऑन द कॉरपोरेट प्रॉपर्टीज, द नेट इनकम ऑफ कंपनीज, द यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाई कॉरपोरेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो होगा इसका सही जवाब द नेट इनकम ऑफ द कंपनीज, कॉरपोरेशन टैक्स। हु प्रोनाउंस द डॉक्ट्रिन ऑफ पासिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उच्चारण किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्रपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबिंदो घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उच्चारण दिया था। सैलिनेशन ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड, सॉइल इरोजन, एक्सेस इरीगेशन या फिर क्रॉप रोटेशन। सैलिनेशन क्या है? लवणता। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस इरीगेशन से सैलिनेशन होता है मिट्टी में। द फेमस विष्णु टेम्पल एट एंकोर वाट इन कंबोडिया वॉज बिल्ट बाई। एंकोर वाट मंदिर किसने बनवाया था कंबोडिया में? श्रुता वर्मन, सूर्य वर्मन, इंदिरा वर्मन या फिर अनिरुद्ध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य वर्मन। हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप? रिचर्ड जेम्स, चार्ल्स गिंसबर्ग, पीटी फांसवर्थ या फिर जॉर्ज डी मेस्ट्रल। तो वीडियो टेप किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स गिंसबर्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सी, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है? रेड सी, टिमोर सी, नॉर्थ सी या फिर अराल सी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, अराल सी। अराल सी किन दो देशों के बीच में है? कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इकेबाना इज अ जैपनीज फॉर्म ऑफ। इकेबाना क्या है? मॉडर्न पेंटिंग, मार्शल आर्ट्स, फ्लावर मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये होगा इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्लावर मैनेजमेंट, फूलों का रखरखाव, उसे कहते हैं इकेबाना जापानीज फॉर्म में। अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन टू डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। फोटोशॉप, ऑटोशॉप, ऑटोशेप्स, वर्ड आर्ट या फिर क्लिप आर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, क्लिप आर्ट। ये कंप्यूटर का सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉपिंग क्रीज एंड द स्टम्प्स ऑन अ क्रिकेट पिचेस। क्रीज जो होता है और जो स्टम्प होता है, विकेट होता है, उनके बीच की दूरी क्या होती है? 2.5 फीट,
3 फीट, 3.5 फीट या फिर 4 फीट। तो उसकी दूरी क्या होती है उन दोनों के बीच में, वो 4 फीट की दूरी होती है। क्रीज और स्टम्प के बीच की दूरी 4 फीट होती है। एपिकल्चर इज एसोसिएटेड विद, एपिकल्चर का संबंध किससे है, हनी बी, फिश, लैक इंसेक्ट या फिर सिल्क वॉर्म। तो इसका संबंध है हनी बी से, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपिकल्चर। बदागा ट्राइब्स लिव्स इन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, हिल्स इन नॉर्थ असम, नीलग्रीज हिल्स ऑफ तमिलनाडु या फिर अंडमान निकोबार। तो बदागा ट्राइब कहाँ के रहने वाले हैं, हिल्स इन नॉर्थ असम, असम के रहने वाले हैं बदागा ट्राइब्स। इन विच ईयर डिड मदर टेरेसा फाउंड हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन इंडिया, मिशनरी ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब हुई थी इंडिया में, 1949, 1950, 1948, 1947। कब हुआ था, 1949 में। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैन बी पार्शली एट्रीब्यूटेड टू, नॉट फुली, मतलब किस पे डिपेंड होता है तारों का टिमटिमाना, इंटरमीटेंट शाइनिंग, कन्वेक्शन करेंट्स इन एटमोसफेयर, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर द अनस्टेबल मोशन ऑफ अर्थ। ट्विंकल ऑफ स्टार्स होता है जो पार्शली डिपेंडेंट होता है वो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे होता है। अ प्लांट और प्लांट सेल हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देन अ नॉर्मल बॉडी सेल इज कॉल्ड एन्यूप्लॉयड, हैप्लॉयड, हैप्लॉन्ट या फिर मोनोसोमिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्लॉयड। क्विनाइन द कॉमनली यूज ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड ड्रग। क्विनाइन जो एक मलेरिया की दवाई है वो पौधे पेड़ के किस हिस्से से पाया जाता है, लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स या फिर स्टेम बार्क। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेम बार्क। कौन से पेड़ से लिया जाता है क्विनाइन, चिंकुना ट्री। सुगर केन कल्टिवेशन इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इरीगेटेड कल्टिवेशन या फिर मैकेनाइज्ड कल्टिवेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इरीगेटेड कल्टिवेशन का एक एग्जाम्पल है सुगर केन कल्टिवेशन। HSL दुर्गापुर जो कि स्टील प्लांट हैज़ बीन एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से एस्टेब्लिश हुआ था, USSR, सोवियत रिपब्लिक, स्वीडन, UK या फिर यूनाइटेड किंगडम या फिर वेस्ट जर्मनी। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, UK, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्टील प्लांट दुर्गापुर में एस्टेब्लिश किया गया था। परस्पिरेशन इज मैक्सिमम व्हेन, परस्पिरेशन क्या होता है, पसीना, पसीने का चलना और सूखना कब ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इज हायर एंड एयर इज ड्राई, टेम्परेचर इज हाई एंड एयर इज ह्यूमिड, टेम्परेचर इज लो एंड एयर इज ह्यूमिड या फिर डी, टेम्परेचर इज लो एंड एयर इज ड्राई, कब होता है ये ज़्यादा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर इज हाई जब ज़्यादा तापमान होता है और एयर में नमी ज़्यादा रहती है, एयर इज ह्यूमिड, तब परस्पिरेशन पसीना ज़्यादा होता है। आज का आखिरी सवाल है, वेयर इज सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर इज सिचुएटेड, सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अलाहाबाद। क्या होगा इसका सही जवाब, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाहाबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगला सेट GKGS का बहुत जल्दी आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।